के दुर्गा नगर में देर रात चोरों ने धावा बोल दिया। आपको बता दें कि रात को हुई चोरी की वारदात की जानकारी पड़ोसियों तक को नहीं लगी। जी हाँ, अरिहंत अपार्टमेंट में रहने वाले शुक्ला परिवार का रानी बाग में एक और मकान है, जहाँ उन्होंने कुछ दिन पहले ही घर का आधा सामान शिफ्ट किया था और वहीं रहने लगे थे। इस दौरान उनका कभी कभी आना जाना लगा रहता था। आज दिन में जब परिवार वाले घर पहुंचे तो ताला टूटा हुआ दिखाई दिया, साथ ही फ्लैट के अंदर का सारा सामान भी बिखरा पड़ा हुआ था, जिस वजह से चोरी किए गए सामान का अनुमान नहीं लग पाया है। वहीं मल्टी में कहीं कोई सीसीटीवी नहीं होने से पुलिस को भी तफ्तीश करने में बड़े प्रयास करना पड़ रहे हैं। भंवर कुमार पुलिस ने बताया कि कॉलोनी की एंट्री पर दो कैमरे लगे हैं, जिन्हें चेक किया जाना बाकी है। शुरुआती जांच में चौकीदार ने बताया कि उसे केवल साफ सफाई के लिए नियुक्त किया गया है। लॉकडाउन खुलने के बाद से चोरी और लूट की वारदातों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। पुलिस प्रशासन की सुस्ती के चलते शहर में ऐसी वारदातों से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। लगातार गश्त और चेकिंग के अभाव में अपराधी आसानी से लूट, चोरी, चकारी और छीना झपटी की वारदात को आसानी से अंजाम दे रहे हैं। भैया एक्चुअली हम दूसरे फ्लैट में थे रानी बाग में, तो वैसे आते जाते रहते हैं हम, मतलब डेली हमारा ये व्यापार है, नौल का चौराहे भी, तो कभी बेटा आता है कभी दिन में आ जाता है। अभी आज सवेरे फ़ोन गया मेरे पास में ऋषि जी का कि ऐसे ऐसे घटना हो गई है, तो हम यहाँ पर आके देखे, तो आके देखा हमने तो वो सब अलमारियाँ, ताला भी टूटा हुआ है, सेंटर लॉक भी टूटा हुआ है, अंदर गया तो दोनों अलमारियाँ टूटी हुई हैं, सब सामान बिखरा हुआ, उसमें से जो नकदी और जेवर था वाइफ का वो सब निकल गया। अनुमानित मेरे ख्याल से 4-5 लाख रुपए की, 5 लाख के, 5 लाख के। ये लापरवाही के कारण ही हम इसको छोड़ रहे हैं, सही आपको बताऊं, क्योंकि कई बार मीटिंग करके हर चीज़ हमने कह दिया कि जब तरीके से रख नहीं पाओगे तो अच्छी क्या बात है। नौकर नहीं था, बंद लॉक था वो, हमें मालूम है चौकीदार है, यहाँ पर सब लोग रह ही रहे, तो ऐसी घटना तो कभी नहीं हो सकती कि भाई आदमी जाए और, मतलब मेरे ख्याल से आप ऊपर चल के देखेंगे तो कम से कम 2 घंटे, 1.5 घंटे 2 घंटे से ज़्यादा नहीं।